वेद संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे लाभ पंचमी के दिन भगवान शिव व गणेश की पूजा का क्या है महत्व। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे बहुत से रोमांचक वीडियो दिखाते रहेंगे। दोस्तों, आइए बात करते हैं लाभ पंचमी के महत्व के बारे में। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही लाभ पंचमी मनाई जाती है। इस खास दिन भगवान शिव जी व गणेश जी का नियम अनुसार व्रत उपवास रखने पर भगवान शिव जी की विशेष कृपा की बरसात होती है और साथ ही घर में सुख शांति का आगमन भी होता है। बता दें कि जिस किसी को भी अपने जीवन में सुखी जीवन सूत्र की चाह है, उसे लाभ पंचमी का व्रत जरूर से करना चाहिए। दोस्तों, आइए आगे जानते हैं लाभ पंचमी का महत्व। तो दोस्तों, आइए आगे जानते हैं लाभ पंचमी का महत्व। लाभ पंचमी अपने नाम से ही बता रही है कि यह फायदों से भरी है। इस खास दिन पर विशेष मंत्र का जाप करने से भी और साथ ही भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यही नहीं, लाभ पंचमी के व्रत को करने से आपके नौकरी व्यवसायों में भी समृद्धि आती है। ध्यान रखें कि लाभ पंचमी के दिन भगवान गणेश जी के साथ भगवान शिव जी की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। दोस्तों, आइए आगे जानते हैं शनि त्रयोदशी की कथा एवं इतिहास। लाभ पंचमी के दिन मंदिरों में खास पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही भगवान गणेश जी के मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान को भी संपन्न किया जाता है। यूं तो देश के सभी हिस्सों में लाभ पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और गणेश जी के मंदिरों में मनमोहक झांकियां भी निकाली जाती हैं। यही नहीं, मंदिरों में भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, आगे जानते हैं कैसे करें लाभ पंचमी का पूजन। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी इसमें आगे दी जाएगी। तो दोस्तों, लाभ पंचमी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करें और फिर भगवान सूर्य देव को जल अभिषेक करें। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर व्रत का संकल्प भी जरूर से करें। इसके पश्चात भगवान शिव जी और गणेश जी की प्रतिमूर्ति को स्थापित कर आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। पूजा के लिए सबसे पहले एक कलश की स्थापना करें और उसमें द्रव्य अक्षत आदि डालकर उस पर आम के पत्ते को भी अर्पित करें। अब इस कलश को लाल वस्त्र में ढक दें। भगवान शिव की पूजा करते समय भस्म, बेलपत्र, धतूरा सफेद, अंगोछा अर्पित करना ना भूलें और भगवान गणेश जी की पूजा फल, फूल, चंदन, अक्षत, ध्रुवा आदि से भी करें। यही नहीं, भगवान शिव जी को दूध से बने मिष्ठान एवं गणेश जी को मोदक भी भोग लगाएं। तो दोस्तों, आइए आगे जानते हैं क्या है शिव और गणेश जी का मंत्र। तो सबसे पहले जानते हैं शिव मंत्र के बारे में, वह इस प्रकार है। दोस्तों, इसके बाद गणेश मंत्र इस प्रकार है। इन मंत्रों का उच्चारण कर आप भगवान शिव व गणेश जी का जाप करें और मंत्र स्मरण के पश्चात धूप व दीप से भी आरती करें। आरती संपन्न हो जाने पर भगवान से सुख शांति और समृद्धि की कामना जरूर से करें। इस प्रकार लाभ पंचमी की कथा यहीं संपन्न होती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी एवं गणेश जी की जय। जो भक्तजन अपने घरों में लाभ और समृद्धि लाना चाहते हैं और शिव जी और गणेश जी के सच्चे भक्त भी, कमेंट में जय श्री गणेश ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।